हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड क्लास 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, परीक्षा से 10 दिन पहले विद्यार्थियों को मिलेगी सूचना। बोर्ड की परीक्षाएं होगी, अब विद्यार्थी फिर से तैयारी में जुटे। जी हाँ दोस्तों, पत्रिका की ये न्यूज़ आपको दिखा देता हूँ। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की शेष रही परीक्षाएँ करवाने का निर्णय कर लिया है। इससे पिछले 50 दिन में जो विद्यार्थी परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति में थे, वे विद्यार्थी अब फिर से बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर निर्णय ही पहले ही कर चुका है, जबकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शेष परीक्षाएँ आयोजित कराने की अथवा नहीं कराने पर मंथन कर रहा था। शिक्षा मंत्री, बोर्ड अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ परीक्षा को लेकर वीसी के बाद मुख्यमंत्री ने फाइनल निर्णय किया। और उल्लेखनीय है कि बोर्ड की उच्च माध्यमिक कक्षाएं 5 मार्च से शुरू हुई थी और ये परीक्षाएं 3 अप्रैल को समाप्त होनी थी। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपके एग्ज़ाम हो गए, आप तैयारी फिर से शुरू कर सकते हो। तो 10वीं और 12वीं के अंदर जो विद्यार्थी हैं वो 20,56,000 विद्यार्थी हैं। और लेकिन इससे पहले ही बोर्ड ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 19 मार्च को परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। आपको पता है, विज्ञान वर्ग के गणित के छात्रों के पेपर, कला के कई विषय तथा 10वीं कक्षा के 2 पेपर अभी बाकी हैं। 10वीं की परीक्षा करवाना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण शेष परीक्षाएँ सरकार की ओर से निर्धारित गाइडलाइन की पालना के तहत परीक्षार्थियों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग रखकर आयोजित कराना बहुत मुश्किल कार्य है। 10वीं कक्षा के बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ानी होगी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी आसान कार्य नहीं है। साथ ही कई परीक्षा केंद्र हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में आते हैं, तो कई हाई स्कूलों को चिकित्सा और जिला प्रशासन ने शेल्टर होम और क्वारंटीन केंद्र थाना रखे हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए कहा है, जो कि अमरजीत सिंह लहर हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर ये कार्य करते हैं। तो धन्यवाद, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।